वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक, राजस्थान से राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जिनका कार्यकाल 2009 में समाप्त हुआ। आंसर, नारायण सिंह माणकलाव। प्रश्न दो, श्री आर के नायर की राज्य के प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति कब की गई थी। आंसर, 28 मार्च 2001। प्रश्न तीन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। आंसर, 26 मई 1988 को। प्रश्न चार, राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने एवं न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने हेतु नियुक्त अधिकारी है। आंसर, महाधिवक्ता। प्रश्न पांच, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। आंसर, 30। प्रश्न छह, कौन सा परिसीमन आयोग द्वारा पुनर्गठित लोकसभा क्षेत्र नहीं है। आंसर, सलुम्बर। लोकसभा क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण, टोंक सवाई माधोपुर, राजसमंद। प्रश्न सात, सरकार द्वारा गठित नवगठित 12 दिसंबर 2007 को प्रशासनिक सुधार मानव संसाधन विकास व जनशक्ति आयोजना समिति के अध्यक्ष हैं। आंसर, डॉक्टर एनएम सिंघवी। प्रश्न आठ, सुमेलित कीजिए। प्रश्न आठ, निम्नलिखित में से असुमेलित है राज्य पक्षी मोर। सुमेलित है राज्य पशु चिंकारा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा। प्रश्न नौ, राजस्थान का राज्य खेल है। आंसर, बास्केटबॉल। प्रश्न दस, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। प्रश्न ग्यारह, राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। जयपुर। प्रश्न बारह, राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार कहलाता है भरतपुर। प्रश्न 13, 1829 में राजस्थान के लिए राज्य नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। आंसर, कर्नल जेम्स टॉड। प्रश्न 14, राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है। जयपुर। प्रश्न 15, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। आंसर, टीकाराम पालीवाल। प्रश्न 16, राजस्थान में सर्वप्रथम आपातकाल राष्ट्रपति शासन कब लगा। आंसर, 1967। प्रश्न 17, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल। प्रश्न 18, राजस्थान की विधानसभा लोकसभा व राज्यसभा सीटें क्रमशः है 225 व 10। प्रश्न 19, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। 20, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। प्रश्न 21, अछित्रपुर वर्तमान में नाम है। आंसर, नागौर। प्रश्न 22, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को विधिवत रूप से राजस्थान का नाम दिया 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 23, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थरों की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं। आंसर, जैसलमेर। प्रश्न 24, वर्तमान में 13वीं राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या है। आंसर, 28। प्रश्न 25, महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को कहा जाता था। आंसर, जंगाल प्रदेश। प्रश्न 26, राजस्थान के प्रथम आम चुनाव कब हुए। 1951। प्रश्न 27, किस राज्य में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद एक समय महिलाओं के पास रहे। राजस्थान। प्रश्न 28, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं श्री राजेश बालिया। प्रश्न 29, वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित मनोनीत सदस्य हैं। 10। प्रश्न 30, सुमेलित कीजिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्य के ए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। आंसर, श्री अरुण चतुर्वेदी। बी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। आंसर, श्री डॉक्टर चंद्रबान। सी तृतीय राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष। आंसर, श्री माणिक चंद्र सुराणा। राज्य निर्वाचन आयुक्त। आंसर, श्री ए के पांडे।
प्रश्न संख्या 31, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, आंसर लाट कुमारी जैन। प्रश्न 32, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे, आंसर सिद्धराज डड्ढा। प्रश्न 33, सुमेलित कीजिए सूची अ को सूची ब से। पहला, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, आंसर गायत्री देवी। दूसरा, राजस्थान से सर्वाधिक बार चुनी गई महिला लोकसभा सदस्य, वसुंधरा राजे। तीसरा, 2009 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान से चुनी गई महिलाओं की संख्या 3। चौथा, राजस्थान से अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, उषा देवी। राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, सुशीला बंगारू। प्रश्न 34, भारतीय थल सेना की 15 अगस्त 2005 से नवगठित 7वीं कमान दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय है, आंसर जयपुर। प्रश्न 35, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, आंसर 30 मार्च। प्रश्न 36, जोधपुर का प्राचीन नाम था, आंसर मरुभूमि। प्रश्न 37, वित्तीय वर्ष होता है, आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न 38, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है, आंसर संघ लोक सेवा आयोग। प्रश्न 39, राठ क्षेत्र किस जिले में है, आंसर अलवर जिले में। प्रश्न 40, राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया, आंसर 19 जुलाई 1997 को। प्रश्न 41, कौन सा युग्म असंगत है, क्षेत्र और उनके प्राचीन नाम, दौलपुर श्रीपंत, ये असुमिलित असंगत है। संगत है हनुमानगढ़ भटनेर बहराट विराट जोधपुर मरुभूमि। प्रश्न 42, राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब गठित हुआ, आंसर 26 जनवरी 2008 में। प्रश्न 43, 7 अप्रैल 1949 में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, आंसर हीरालाल शास्त्री। प्रश्न 44, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। वागड़ के गांधी गोकुलबाई पांड्या, राजस्थान के गांधी गोकुलबाई भट्ट, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, राजस्थान के अब्बुल फजल मोहनोत नरसी। प्रश्न नंबर 45, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है, जोधपुर। प्रश्न 46, केंद्र सिविल सेवा के सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक। प्रश्न संख्या 48, शासन सचिवालय का कार्य नहीं है, विधानसभा का संचालन उनके कार्य हैं, नीति निर्माण प्रशासन व व्यवस्था संबंधी कार्य, वित्तीय नियंत्रण का व्यवहन। प्रश्न 47, राज्य प्रशासनिक सेवा सिविल सेवा के अधिकारी अपने पद पर कार्य करते हैं, आंसर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रश्न 49, राज्य प्रशासन व शासन सचिवालय का मुखिया होता है, मुख्य सचिव। प्रश्न 50, देश में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2000 में किस राज्य में लागू किया गया था, राजस्थान। प्रश्न 51, केंद्र सरकार द्वारा पारित सूचना को अधिकार अधिनियम के कुछ प्रावधान किस तारीख से प्रभावी हैं, आंसर 15 जून 2005। प्रश्न 52, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी हैं, आंसर लोक सूचना अधिकारी। प्रश्न नंबर 53, सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का शुल्क है, आंसर ₹10। प्रश्न 54, लोक सूचना अधिकारी द्वारा
समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को। प्रश्न 55, सूचना प्राप्ति हेतु प्रति पृष्ठ A4 या A3 के आकार निर्धारित फीस है? आंसर ₹2। प्रश्न 56, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपील कहाँ की जा सकती है? राज्य सूचना आयोग में। प्रश्न 57, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रश्न 58, मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? आंसर राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर। प्रश्न 59, 15वीं लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई महिला सांसदों की संख्या है? आंसर 3। प्रश्न 60, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? आंसर 19। प्रश्न 61, राजस्थान से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है? 1। प्रश्न 62, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? आंसर अरुण मिश्रा। प्रश्न 63, राजस्थान निर्माण का अंतिम चरण किसके मुख्य मंत्रित्व काल में समाप्त हुआ? आंसर मोहनलाल सुखाड़िया। प्रश्न 64, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? आंसर टीकाराम पालीवाल। प्रश्न 65, राज्य विधानसभा की बैठक कौन बुलाता है? आंसर राज्यपाल। प्रश्न 66, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? आंसर राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु विहित प्रक्रिया से। टॉपिक नंबर 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? आंसर 10। प्रश्न 2, राजस्थान राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का सामान्य ढाल है? आंसर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। प्रश्न 3, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च दो चोटियां किस जिले में स्थित है? आंसर सिरोही। प्रश्न 4, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर आडावाला सीकर। सही सुमेलित है शेर सिरोही, जरगा उदयपुर, चिड़िया टोक जोधपुर। प्रश्न 5, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर बरखाना, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन। सही सुमेलित है लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन, मावट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, बबूलिया, वायु चक्रवात भंवर। प्रश्न 6, कौन सा युग्म असंगत है? खड़ीन, मुल्तानी मिट्टी। सही संगत है बरखान, अर्धचंद्रकार बड़े टीले, धोरे, लहरदार रेगिस्तानी टीले, खादर, गहरी खड़ युक्त बिहड़ भूमि। प्रश्न 7, पुरवाइया क्या है? आंसर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। प्रश्न 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला है? आंसर जैसलमेर धौलपुर। सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। प्रश्न 9, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? बांसवाड़ा। प्रश्न 10, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। प्रश्न 11, सुमेलित कीजिए। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्रफल 61%, पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23%, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल 9%, दक्षिणी पूर्वी पठार का क्षेत्रफल 7%। प्रश्न 11, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला किस प्राकृतिक प्रदेश में है? आंसर मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। प्रश्न 12, ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है? आंसर शेर, जरगा, गुरु शिखर। प्रश्न 13, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कहलाता है? आंसर हाड़ौती का पठार। प्रश्न 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 3 सबसे बड़े जिले हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। प्रश्न 15, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्व। प्रश्न 16, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? आंसर राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श करता है? आंसर झाबुआ। प्रश्न 18, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा राज्य किस राज्य से मिलती है? आंसर मध्य प्रदेश। प्रश्न 19, राजस्थान में बिहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? आंसर धौलपुर। प्रश्न 20, ताल छापर और पड़ीहारा रण क्षेत्र स्थित है? आंसर शेखावाटी क्षेत्र में। प्रश्न 21, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है? आंसर 60 डिग्री 9 मिनट।
प्रश्न 22, राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थली रेगिस्तानी जिले माना है? आंसर 12। प्रश्न 23, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्य सीमा है वह है? आंसर पंजाब। प्रश्न 24, राजस्थान राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है? आंसर गुजरात। प्रश्न 25, राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? आंसर गंगानगर, लगती है हनुमानगढ़, चुरू और सीकर। प्रश्न 26, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? आंसर जैसलमेर। प्रश्न 27, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है? शुष्कता में वृद्धि। प्रश्न 28, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। प्रश्न 29, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती। प्रश्न 30, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई बढ़ती जाती है वह है? उत्तर से दक्षिण पश्चिम। प्रश्न 31, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? आंसर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रश्न 32, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल के पूर्व की तरफ प्रसार में प्राकृतिक बाधा है? आंसर अरावली पर्वत। प्रश्न 33, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं? आंसर पश्चिमी क्षेत्र में। प्रश्न 34, सर्वाधिक जन घनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी भूभाग। प्रश्न 35, बालू का स्तूप पाए जाते हैं? आंसर मरुस्थलीय क्षेत्रों में। प्रश्न 36, रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग हैं? आंसर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। प्रश्न 37, पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर विस्तृत है, उस भूभाग में राज्य की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आंसर 39%। प्रश्न 38, गंगा नहर के पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? आंसर बहावलपुर। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है? आंसर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। प्रश्न 40, थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, इन्हें कहते हैं रन। प्रश्न 41, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? आंसर पूर्वी मैदान। प्रश्न 42, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक जाती है? आंसर सिरोही। प्रश्न 43, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है? आंसर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। प्रश्न 44, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य अरावली में बसा हुआ है? आंसर अजमेर। प्रश्न 45, पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? आंसर प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता। सही कारण है जलवायु की विषमता, जल का अभाव, नदी बेसिनों का अभाव। प्रश्न 46, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? आंसर चित्तौड़ में। प्रश्न 47, राज्य का कौन सा जिला ऐसा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम है? आंसर बाड़मेर। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराज्य सीमा पर स्थित नहीं है? आंसर बूंदी। प्रश्न 49, राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आंसर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय। प्रश्न 50, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत रहता है? आंसर 50 से 80 सेंटीमीटर।